विल ऑस्प्रे बन चुके हैं ऑल इलीट और वो कंपीट करेंगे इस साल ऑल इन पेपर व्यू में। और इसके अलावा एक बड़ी न्यूज ये है कि विल ऑस्प्रे मौजूद होंगे अगले हफ्ते डायनामाइट में। जी, विल ऑस्प्रे और कनुस्के ताकेशीता होंगे आमने सामने रेवोल्यूशन पेपर व्यू में। तो इतनी सारी बड़ी खबरें सुन ली आपने, अब चलते हैं बैक स्टेज जहां रेने पिकेट के साथ मौजूद हैं डॉन कैलिस फैमिली के मेंबर्स। आइए साथ, अभी आइए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉन कैलिस एंड डॉन कैलिस फैमिली। डॉन, पिछले हफ्ते डायनामाइट में आपने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि रेवोल्यूशन में ताकेशीता सामना करेंगे विल ऑस्प्रे का। तो क्या आपने सोचा है कि किस तरह से ये मैच मदद करेगा आपकी और आपकी फैमिली की? मैंने बहुत कुछ सोचा है, ये हमारी मदद करेगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी जीते, ये दोनों बेस्ट रोप टू रोप रेसलर्स इन द वर्ल्ड, ऑस्प्रे और ताकेशीता, ये दोनों तब भी हिस्सा रहेंगे डॉन कैलिस फैमिली का। हमने देखा विल ऑस्प्रे को एक शानदार फेयरवेल मेला यूके में, और टोनी खान भी वहां पर थे, उसे चीयर कर रहे थे। सबने सोचा कि विल फ्लाइट में चढ़ेगा टोनी खान के साथ और वापस आ जाएगा यूएसए में, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? मैं डॉन कैलिस फैमिली के साथ जेट में जाऊंगा यूके और विल ऑस्प्रे को यहाँ लाऊंगा इस मैच के लिए। और मैं सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सब के लिए, क्योंकि मैं सच कहूँ तो मेरे पास है मेट मैडनेस। अरे यार, हॉब्स है द बिगेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट वायलेंट मैन इन दिस कंपनी, और ये कई लोगों को बहुत तकलीफ देने वाला है उस मैच में। लास्टली, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूला सैमी गवारा, तुम बेहुदा इंसान हो। मैंने सुना कि तुम टुल्सा में मौजूद रहोगे रैम्पेज में, और हमारे बीच में हमारी फैमिली का तुमसे हिसाब किताब बाकी है। मैं तुम पर नजर रखूंगा सैमी गवारा। तो अगले हफ्ते का डायनामाइट बेहद स्पेशल होने वाला है। देखते ही रह जाएगा। कुछ हफ्तों पहले हमें हुक का कमाल का जज्बा देखने को मिला था जब हुक ने समोआ जो को चैलेंज किया था AEW वर्ल्ड टाइटल के लिए। अपनी परफॉर्मेंस से इन्होंने सभी को इंप्रेस किया था, और खुद समोआ भी इनसे बहुत इंप्रेस हुए। इस इंडस्ट्री के एक लेजेंड हैं रॉब वैन डैम। आज हम यहाँ एक बहुत अनयूजुअल टीम देखने वाले हैं जहाँ हुक और रॉब वैन डैम टीम अप होंगे एडम पेज के साथ में। लीजिए, दो मेंबर्स आ गए हैं, अब आएंगे इनके तीसरे साथी। देर पहले हुक और रॉब वैन डैम से कहा था कि आज इन्हें मिलकर बुरी तरह मारना है स्वर्व स्ट्रिकलैंड को। इरादे खतरनाक हैं। हम ये जानते हैं कि कितनी इंटेंस राइवलरी रही है एडम पेज और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के बीच में। एडम पेज, स्वर्व और समोआ जो आमने सामने होंगे रेवोल्यूशन में AEW वर्ल्ड टाइटल के लिए, और एडम पेज चाहते हैं कि स्वर्व इस हालत में ही ना रहें कि वो उस मैच का हिस्सा बन पाए। Prince Nana, the Machine, Brian Cage.
मोगुल एम्बेसी के मेंबर्स हैं स्वर्व और ब्रायन केज, और आज ये समूह जो के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे इस मैच में। और स्वर्व और केज के साथ में आए हैं प्रिंस नाना, जो डांस करते हैं पर गाते नहीं हैं गाना जी, लेकिन उन्हें स्वर्व को हर बार होता है यहाँ बुलाना। AEW में इस वक्त स्वर्व जैसा मोमेंटम किसी के पास नहीं है, और स्वर्व बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि रेवोल्यूशन में ये बनने वाले हैं AEW वर्ल्ड चैंपियन। वाह यार ड्यूड, जबरदस्त, अब आएंगे असली चैंपियन। गए हैं AEW वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो, और आज के इस मैच में ये टीम अप होंगे स्वर्व और रायन केज के साथ, लेकिन रेवोल्यूशन में इन्हें अपना टाइटल डिफेंड करना है स्वर्व और एडम पेज के खिलाफ। तो ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर कैसे आज को एग्जिस्ट कर पाएंगे समोआ जो और स्वर्व स्ट्रिकलैंड, या फिर इन दोनों के बीच ही यहाँ पे कोई समीकरण देखने को मिलेगा। The Aubrey Edwards तैयार हैं इस महायुद्ध को आरंभ करने के लिए। देखिए दोनों तरफ की सेनाएं अपनी अपनी जगह ले चुकी हैं रणभूमि में, और ऑफिशियली युद्ध का उद्घोष हो गया है। आज का मेन इवेंट अब शुरू हो गया है। ये देखिए एटीट्यूड है समोआ जो के सामने उठा। वाह ओ, ओ। समोआ जो ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और हुक पीछे गिरे, और समोआ जो उनके ऊपर हंसे। फिर से देखिए ओ का भरपूर इस्तेमाल, हुक की नाक रिंग के फ्लोर पे दे मारी, और समोआ जो फिर से हंस रहे हैं। हुक का जो एटीट्यूड है उसे एक तरह से डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं समोआ जो, और हुक अपने ब्रूटल अटैक्स के लिए जाने जाते हैं। अब समोआ जो को देखिए किस तरह से कॉर्नर पर ले जाकर उन पर पंचेज मारे, और समोआ जो ने फिर से ताकत का इस्तेमाल किया और हुक ने पलटवार किया उन्हीं की नाक पे, और ये देखिए कारगर हमला समोआ जो को नीचे गिराने में कामयाब हुए। और समोआ जो कुछ देर पहले हुक पे हंस रहे थे, अब देखिए किस तरह से हुक के ऊपर उन्होंने पंचेज मारने शुरू किए हैं अपने चिर परिचित अंदाज में। ताबड़तोड़ पंचेज की बौछार की है उन्होंने हुक पे, और हुक नीचे गिर गए हैं। रेफरी ऑब्री एडवर्ड्स ने रोका है समोआ जो को। क्या एक्शन, बैग ब्रायन केज आए हैं रिंग में, और अब देखिए इनके हमलों की शुरुआत। ये देखिए ब्रायन केज अक्सर इस तरह के अटैक्स करना पसंद करते हैं, अपने शोल्डर को अपने विरोधी के एब्डोमेन में मारते हैं। ओह माय गॉड हुक बुरी तरह से रिसीविंग एंड पर है डॉज किया, और ये जर्मन सुप्लेक्स की कोशिश थी कामयाब नहीं हुई, और हुक ने अब आके टैग किया है। रॉब वैन डैम आ गए हैं, ताबड़तोड़ हमले। वाह ओ लॉक किया, और ओ शानदार तरीके से नीचे गिराया और कवर भी किया, और ये उछल के एक और इम्प्रोवाइजेशन की कोशिश की है रॉब वैन डैम ने, लेकिन उन्हें अपने कंधों पे उठाकर अपने कॉर्नर पे ले गए, और अब स्वर्व अंदर आ गए। बैक ब्रेक कर दिया है, वाह जोरदार हमला स्वर्व का। रॉब वैन डैम कवर किया है दो और किया, माहौल इलेक्ट्रीफाइंग है, जबरदस्त
trios tag team match. वाह! ओ रॉब वैन डैम ने शानदार हमला किया कॉर्नर पे ले जाके स्वर्व को डिफेंसिव कर दिया उन्होंने और फिर से कॉर्नर पे दे मारा स्वर्व को और ये एक और हमला कारगर हमला स्वर्व को इसकी उम्मीद नहीं थी स्वर्व को 360 डिग्री हवा में उछाल के नीचे गिराया है और एक्सप्रेशंस देखिए समुआ जो के क्या बात हैंगमैन एडम पेज अंदर आएंगे और स्वर्व को डॉच किया रॉब वैन डैम ने और एडम पेज और ये देखिए स्वर्व के बीच बहस शुरू हो गई है और एडम पेज ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बौछार कर रहे हैं और ये केज अंदर आ गए हैं सामने से हुक आ गए हैं हुक ने पीछे खींच लिया है एडम पेज को एडम पेज ने उन्हें घूर के देखा हुक ने कहा कि सॉरी चले गए और मैच आगे बढ़ रहा है